कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हर रोजगार, हर हाथ को रोजगार दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि उन हाथों में जिनमें शास्त्र की बात की जाती है उसमें शस्त्र नहीं लेने देंगे। तो देखिए, इससे पहले तो राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन अब बात युवाओं की होगी। हमारे साथ सभी जो जाने माने छात्र संगठन हैं उसके नेता जुड़ गए हैं। एक बार मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार, मैं अखिलेश यादव हूं, छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, साथ ही NSYI का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं रोहित मिश्रा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मंत्री विद्यार्थी परिषद का रहा और अभी BJP युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं कौशल सिंह, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। UPSC और PSC के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसका नेतृत्व कर रहा था। मैं अक्षय यादव क्रांतवीर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और इलाहाबाद जनपद का कांग्रेस की छात्र संगठन NSYI का जिलाध्यक्ष। तो बिल्कुल सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सवाल तो कई हैं। सवाल है कि अगर हम सिर्फ अगस्त की बात करें तो तकरीबन 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। हम उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी घटेगी, लेकिन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस पर बताइए, सबसे पहले बताइए कि ABBP थोड़ा यहाँ बचाव की परिस्थिति में है, तो वो बताएं कि क्या कहेंगे इस पर, अच्छा लगता है सुन के? अच्छा, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये अगर आप कहें कि किसी का रोजगार चला जाए और मुझे या किसी युवा को अच्छा लगे तो ये कहीं से न्यायसंगत नहीं है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ धड़ाम हो रही थी, उसमें सरकार जो मदद कर सकती थी वो कर रही थी और विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम लोग भी लगातार मेमोरेंडम दे रहे थे, लगातार अपनी बातें रख रहे थे कि जिनका रोजगार बच सकता है किसी भी तरीके से। हमने वो पहल भी की कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ से भी अगर युवा उसमें आना चाहता है तो अपना खुद का रोजगार शुरू करे, उसके लिए भी जितने कम से कम मानक हो सकते थे बैंकों को वो हिदायत दी गई कि आप कम से कम पेपर पे जल्दी किसी को रोजगार दीजिए। तो ये कहीं से ये आपका कहना कि अच्छा लगेगा, मुझे नहीं, इस देश का कोई युवा होगा उसे ये अच्छा नहीं लगेगा किसी की नौकरी चली जाए, किसी की रोजी रोटी चली जाए तो किसी को अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लगने का कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता। अक्षय यादव जी क्या कहेंगे इस पर? फिर रोजी छीनने का अधिकार भी वर्तमान सरकार को नहीं होनी चाहिए, इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है? मैं अखिलेश यादव मेरा नाम है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है, कांग्रेस की तरफ से दो लोग हैं क्या? अच्छा, हमारा कहना है कि रोजगार के मसले पर आप देखेंगे 2014 और उससे पहले का दौर था, तमाम युवा थे, उनकी उम्मीदें थी कि जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो तमाम रोजगार आएंगे, लेकिन यदि वर्तमान समय की हम परिपाटी पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हताश और निराश है तो वह युवा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार न मिलने से रोजाना 3 युवक जो है वह आत्महत्या करता है, तो देश के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की यह बात है कि हमारा जो होने वाला भविष्य है रोजाना रोजगार के अवसाद में आत्महत्या कर रहा है। और इस चीज़ों पर यदि सवाल किया जाता है तो रोजाना आप देखेंगे चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, युवाओं के ऊपर लाठियां मारी जाती हैं, उनको जेलों में घसीटा जाता है, NKN पकड़े, तमाम FIR उनके ऊपर दर्ज की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले की जो सरकार थी वो प्रेजेंट टाइम सरकार दोनों रोजगार के स्तर पे फेल है। अभी हाल में मंत्री जी बयान जो कर गए थे वो हमारे आंदोलन के हिस्सा भी रहे, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी वो भी आंदोलन के हिस्सा थे, यहाँ की सांसद जी थी वो भी आंदोलन के हिस्सा थी जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। ये लोगों ने उसमें बड़ी बड़ी बातें की कि उस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा, सपा सरकार में मैं आऊँगा तो ये करूँगा, लेकिन हाल में भी 3 वैकेंसी शिक्षा की इन्होंने कराई, तीनों के पेपर लीक हुए। हाल में एक LT का पेपर हुआ जिसकी लोक सेवा की परीक्षा अभी तक जेल में है, अभी वो रिहा हुई, उसको भी इन लोगों ने क्लीन चिट कर दिया। तो जहाँ तक ये रोजगार का सवाल है, रोजगार पर ये पूरा फेल है, युवा को सिर्फ हताश और हैरान कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि 15 लाख खाते में आएंगे ये तो कह दिया गया कि जुमला है, अब 2 करोड़ नौकरी वाली बात वो भी क्या जुमला ही लग रहा है? बिल्कुल जुमला है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी देंगे कहाँ से? अभी हाल में जितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली आप उठा के देख लीजिए कितना क्लियर हुआ, इस कोविड काल में 2 सालों में 2 एग्जाम मात्र क्लियर हुए, मतलब 1200 सीटें क्लियर हुई, तो कैसे ये 2 करोड़ रोजगार दे देंगे? तो जुमला ये कुल मिला बिल्कुल। और कांग्रेस और NSUI की तरफ से आप लोग क्या कहेंगे? देखिए,
इनके आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं। इनका कहनाम है कि हमने अभी 4 लाख नौकरियां दी, लेकिन हम लोगों ने अपनी एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में इन्होंने सीधा सॉरी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनका कहना है ऐसी कोई हमारी तरफ से जानकारी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं लगभग पुलिस विभाग में 1 लाख जो सरकारी पद हैं वह खाली हैं। शिक्षक भर्ती में देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की लगभग 2 लाख जो पद हैं वह खाली हैं। टेक्नीसियन नर्स इनकी तरफ आप देखेंगे जो वार्ड बॉय हैं उनके लगभग 45,000 से ऊपर जो पद है खाली है, ये आरटीआई से मांगने पर मिला है। इन सभी चीज़ों पर यदि हम बात करेंगे तो हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह बोलेंगे तुम यदि आंदोलन करेंगे तुम्हारे घर हम उठवा लेंगे, तुम्हारे घर गिरवा देंगे। इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कि इस तरीके से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी रैलियों में इनके द्वारा बोला जाता है। और आप देखेंगे लगभग जिस शहर में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं गंगा यमुना का संगम है प्रयागराज शहर है, लगभग 10 लाख से ऊपर युवा यहाँ पर आकर के तैयारी करता है। यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं वह अलग हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अलग हैं। पेपर लीक इनका ट्रेडमार्क हो चुका है, चाहे वह UPPCS का पेपर हो, चाहे वह CTET का पेपर हो, चाहे वह DLED का पेपर हो, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है। चाहे वह नलकू विभाग का हो, दरोगा भर्ती हो, कोई भी भर्तियाँ नहीं है। या तो पहले परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं तो या तो उनके रिजल्ट रुकते हैं, यदि रिजल्ट आते हैं तो इनकी भर्तियाँ हाईकोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यदि जो अभ्यर्थी 2017 में परीक्षा दिया दरोगा भर्ती का और 2021 आ गया और अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इसका साफ तौर पर जिम्मेदार कौन है, हम इसकी जिम्मेदारी भी तय करना चाहेंगे। एक एक करके मौका दिया जाए तो छोटे भाई ने एक RTI पहले बताई कि उसमें कोई जवाब नहीं मिला, मैं उनको जवाब यहीं पे दे देता हूँ। 4.5 लाख लोगों को रोजगार इस सरकार ने दिया है। ये आंकड़े जब ये चाहेंगे तो मैं शिक्षक भर्ती से शुरू करूंगा और जितनी भर्तियां इन्होंने बताई हैं वो नलकूप विभाग में रहीं कि वो दरोगा बनने की रहीं, सिपाही बनने की रहीं, वो सब हम इनको पूरे आंकड़े देंगे। इस सरकार ने अभ्युदय जैसा पहला प्रोग्राम शुरू किया कि 10 लाख बच्चों को जो जिनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो कोचिंग कर पाएं, उसमें 10 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमने नई नई ITI खोली, वो आंकड़े 517 थे, 1427 हो गए हैं। इन पर भी बात कर ली जाए। हम लगातार रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हर हाथ को रोजगार दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि उन हाथों में जिनमें शास्त्र की बात की जाती है उसमें शस्त्र नहीं लेने देंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, अगर घर भी गिराना है तो अपराधियों का घर भी गिरवाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमने आपके रोटी की चिंता की, हमने आपके बेटी की चिंता की कि आपके पेट में खाना रहेगा, ये चिंता भी हमारी सरकार कर रही थी और उसके लिए FCI के गोदाम खाली हो गए हमें कोई चिंता नहीं थी। हमने 50,000 रुपये का अनुदान बेटी होने पे, 5,500 रुपए का उसके बाद कि उसकी माँ की भी सुरक्षा हमारे हाथ में, वो भी दिया। और युवाओं की हताशा की बात अगर की जाएगी तो ये समय ही ऐसा था। 2 साल में सरकार कोई भी होती, कोई सरकार ये न कर पाती कि उस कोविड काल में हमारी आपकी जान बचाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस पर भी हमारे ऊपर आरोप लगा कि रेमडेसिविर खत्म, ऑक्सीजन खत्म, हुई है दिक्कतें, मेरे परिवार में भी हुई हैं। और हम उन 4.5 लाख घरों में चलने चल रहे हैं जहां पर रोजगार मिला है। पहले रोजगार मिलता था इटावा मैनपुरी कन्नौज की तरफ से, जातियां देख ली जाती थी, लिस्ट तैयार हो जाती थी, बड़े भाई बैठे हुए हैं 86 में 53 एक जात के SDM हुआ करते थे। आज वो शंकराचार्य कहाँ चले गए, हम वही तो पूछने आए हैं यहाँ पे। हमने जो भर्तियां की हैं वो निष्पक्ष रही हैं, किसी जाति का, किसी बिरादरी का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी वर्ग का उसमें प्रतिनिधि तो छूटा नहीं है। हम वही कह रहे हैं आपसे, जो करेंगे डंके की चोट पर सही करेंगे। और रही बात, अभी बड़े भाई ये भी कह रहे थे कि पेपर लीक हुए, मुझे एक पेपर लीक वाला बता दीजिएगा। ये रिपोर्ट 2012 में भी गई थी, 2016 में भी गई थी। जिस पटेल की आप बात कर रहे हैं उस सरकार उसको प्रश्रय देती थी, उससे चंदे लेती थी, उसको भी जेल भेजने का कार्य हमारी सरकार ने ही किया। चलिए ये बताइए कि 68,500 जो भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी है वो भी रोजगार के इंतजार में बैठे हैं, लेखपाल पटवारी की कोई भर्ती नहीं हुई 4-5 सालों में, साथ ही जो दारोगा भर्ती है 2016 से ट्रेनिंग करके लोग 2000 कुछ बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग हो गई, प्रक्रिया पूरी हो गई, नौकरी कब मिलेगी? बिल्कुल, नौकरी मिलने का प्रावधान है और उनमें ही कुछ अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में ले जाके उन भर्तियों को लंबित करवाते हैं। सरकार उसके लिए नहीं जवाबदेह है और वो जवाबदेही हम तय करेंगे। लेकिन हम अब जब आपने वो बात छेड़ी दी है तो मैं आपको वो भी भर्ती बता देता हूँ कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थी कि इन बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। इस तरह का कोई काम हमारी सरकार ने नहीं किया। वो आज जैसे ही वो क्लियर होगा,
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही जो मामले पड़े हुए हैं वो क्लियर होंगे, आप विश्वास मानिएगा कि शायद 24 घंटे का वो समय नहीं होगा कि कोई उत्सव मनवाएंगे हम और उस उत्सव में आप लोग परीक्षा लेते हैं कि 598 परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है। ये नेक्सस है, आपको क्या लगता है कि हम नए स्कूल बना देंगे क्या तुरंत तुरंत? वो पूरा नेक्सस है, वो कैसे टूटेगा वो तोड़ रहे हैं। उस पटेल की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, वो 2012-2016 में आईबी इंटेलिजेंस सबने रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ, किसी सरकार में दम नहीं था कि उसको पकड़ के जेल में डालती, वो हमारी सरकार थी जो जिसने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। चलिए प्रतियोगी छात्रों का दर्द ये बताएंगे। छोटे भाई को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2017 में पीसीएस जैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है और ये मैटर डिबेट में भी बैठा था कि कैसे पेपर लीक हो गया। तो इतनी बड़ी परीक्षा अगर पेपर लीक हो सकता है तो छोटे छोटे पेपर अगर लीक भी हो जा रहे हैं तो उस पर क्या प्रश्न उठाया जाए? तो सरकार कहाँ तक युवाओं को सेव कर पा रहा है, कहाँ तक उनको निष्पक्ष भर्ती दे पा रहा है, ये एक सवाल पैदा होता है। और इसी कारण से योग्य प्रतियोगी जो हैं इस कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच रहता हूँ, उनके दर्द को महसूस करता हूँ, देखता हूँ। मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हूँ, मैं सपा कार्यकाल में भी आंदोलन किया था, इस सरकार में भी आंदोलन किया, तो मैं सत्य के साथ हूँ। और जहाँ तक देख पा रहा हूँ, लोग देख पा रहे हैं, किसी स्थान पर युवाओं को जो है उस भागीदारी में नहीं शामिल किया जा रहा है। हम मानते हैं कि सरकार के पास उतनी रोज़गार नहीं है कि उनको फुलफिल कर पाए, लेकिन हाँ जो भी भर्तियाँ कराएँ वो निष्पक्ष कराए, लेकिन वो भी अपने लोगों को ही भरा जा रहा है, वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे ये बताएं। एक भ्रष्टाचार मुझे केवल आप बता दें, केवल एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो दहाई के आंकड़े नहीं है, बाकी पूर्व सरकारों के मैं सैकड़े तक लेके जाऊंगा। सिंगल बता रहा हूँ, अभी हाल में एसडीआई की भर्ती हुई खंड शिक्षा अधिकारी का, उसमें उसका टॉपर ही जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के उसने सिलेक्ट हुआ था। वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के सिलेक्ट हुआ ये आप ही कह रहे हैं ना, ये हमारी सरकार नहीं पकड़ा कि उसके डॉक्यूमेंट फर्जी थे, ये आप नहीं बता रहे थे। आपकी सरकार ने नहीं कहा, ये आपने पकड़ा। ये प्रतियोगी छात्रों ने आरटीआई मांगी, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स गलत आए। अभी भी हाल में भी जीआईसी प्रिंसिपल की जो एक एक जीआईसी प्रिंसिपल की वैकेंसी हुई, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप नियम को फॉलो करिए, लेकिन उन्होंने नियम को फॉलो ना करते हुए उसी में घाल मेल करके 14 लोगों को एडिशनल करके उसको रिजल्ट जारी कर दिया, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स सरासर गलत हैं, अभी भी आरटीआई के प्रूफ रखे हुए हैं। आप एक तो जब सामान्य सी प्रक्रिया जान लें कि कोई भी फॉर्म भरना हो तो वो फॉर्म आप भरते हैं, वो सरकार नहीं भरती। नहीं, नहीं, हमारा काम होता है कि आप सेलेक्ट होंगे उस फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे एक मिनट का मौका दे दीजिए बस, आप फॉर्म भरते हैं वो आपका अपना खुद का राइट है, उसे आप भरते हैं। हमारा काम है कि आप सेलेक्ट हो गए और उसके बाद आपने अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए तो फिर आपके लिए नैनी सेंट्रल जेल जिंदाबाद है। देखिए मैम, बड़े भाई हैं हमारे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इनके बाद हम छात्र संघ उपाध्यक्ष बने, इनकी हम मजबूरियां समझ सकते हैं, चूंकि ये युवा मोर्चा में चले गए हैं। तो भाजपा का जो प्रचार है, लाली लिपस्टिक लगा करके इनका प्रचार है, यदि एक बारिश जैसे हुई इनका सारा ऊपर से मुखौटा साफ हो जाता है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा, जहाँ पर हम डिबेट कर रहे हैं यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर लगभग युवाओं की एक भारी तादाद यहाँ पर आकर के तैयारियाँ करती हैं, और लगभग यहाँ से हम लोगों ने इस पर आंदोलन भी किया, इस पर सर्वेक्षण भी किया, उन लड़कों के भी घर गए जो लड़के आत्महत्या किए, आज तक हमारे पास लिस्ट है, और उस पर हम लोगों ने आंदोलन तक भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आत्महत्या 2017 से शुरू हुई क्या? उसी पर मैं आ रहा हूँ, चाहे यह सरकार रहे चाहे इसके पूर्ववर्ती सरकारें रहें, रोजगार के मामले पर, पेपर लीक के मामले पर, दोनों एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी पेपर लीक हुआ करते थे, अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं, पहले भी हमेशा जो छात्र है या तो इलाहाबाद में या तो लखनऊ आंदोलन करता था, आज भी जो छात्र है वह इलाहाबाद और लखनऊ में आंदोलन कर रहा है। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ एक चीज़ में हुआ है, जो कि दोनों सरकारों में पहले चला आ रहा था, कि इनके जो समीपवर्ती व्यक्ति थे उनको रोजगार दिया जा रहा था, उनकी लिस्ट बन रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें लिस्ट नहीं बन रही है, दोनों का आधार एक ही है, दोनों की चीज़ें एक ही हैं। पहले यह रहता था कि पहले कुछ कम पैसे लगते थे, आज जो पैसे हैं वह ज़्यादा लग रहे हैं। इलाहाबाद के ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जहाँ पर ऐसे बिचौलिए ना हो जो आपको कहें 10 लाख रुपए दीजिए ये भर्तिया में हमारा जुगाड़ है, 12 लाख रुपया देबा ये भर्तिया में जुगाड़ है। आप दोनों ने अपना पक्ष रखा, ये सारे राजनीतिक दल करते यही है कि युवाओं को लड़वा देते हैं,
और आप एक बात देखिए, आज बैठक हुई, किसी ने नौकरी की बात की, सिर्फ जाति की बात हुई। आप बैठे होंगे, आप सुन रहे होंगे, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे होंगे, किसी ने बोला कि हम निषाद की बात करेंगे, किसी ने बोला हम मलाह की बात करेंगे, किसी ने बोला हम दलित की बात करेंगे, किसी ने बोला ब्राह्मण की बात करेंगे। लेकिन बिहार चुनाव में आपने देखा होगा कि 10 लाख नौकरी और 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, बड़े दावे हुए थे। इसलिए हमने देखा कि रिजल्ट जब आया तो मुकाबला करीबी था। यहाँ फिर से उत्तर प्रदेश में युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ब्राह्मण दलित का किसी का गठजोड़ है, किसी का किसी और पार्टी का गठजोड़, सिर्फ युवाओं की बात कीजिए, दलगत बात मत। देखिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ आपके। लगभग कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था, इससे पहले वाले समय में भी इनका जन्मदिवस था, कल भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया युवाओं ने, छात्रों ने, और इससे पहले भी मनाया। और लगभग इन एक वर्षों के ड्यूरेशन में, चूंकि मैं NSUI का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, लगभग सभी भर्तियों के जो छात्र हैं, युवा हैं, इनके डेलीगेशन को हमारी जो नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं उनसे मिलाया गया, इन सभी युवाओं से संवाद कराया गया। और हमारा यह भी प्रयास है कि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज सलमान खुर्शीद साहब और सुप्रिया सिन्हा जी इलाहाबाद में, और इन प्रतियोगी परीक्षाओं के भी जो डेलीगेशन उनसे मिलवाया जा रहा है। इतना बताइए कि आज इस बैठक में रोजगार की बात नहीं हुई, नौकरी का वादा किसी ने नहीं किया, तो आपको दुख हुआ या नहीं, बस ये बताइए। देखिए मैम, बतौर यदि हम छात्र संगठन बात करें तो लगभग हर मोर्चे पर, चाहे हमारी नेता हो चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर, हर मुद्दे पर हम बात कर, चूंकि मामला आता है जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चलिए, जो उनका आधार, जिनका आधार ही जाति है, वो उस आधार पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के आधार पर उनको ले रहे हैं। लेकिन हमारा शुरू से ही छात्रों के, युवाओं के मसले पर हम आ रहे हैं, और उनकी मुद्दों को भी लगभग, चाहे वह विधानसभा में हमारे मात्र 5 विधायक बचे हुए हैं, वह भी उठा रहे हैं, और यदि आप लोकसभा राज्यसभा में भी जाएंगे तो हमारे जो सांसद हैं लगातार इसको मामले को उठा रहे हैं, और लगभग इनके चाहे लीगल भी हेल्प हो, चाहे वह हाई कोर्ट में हो चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में हो, हमारे द्वारा उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक। अच्छा, हमारे साथ एक शुभम सिंह है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, MSc कर रहे हैं फिजिक्स से, और इनका सवाल है, जो हमने कहा था कि एजुकेशन हब के नाम पे जब हम बात होती थी तो इलाहाबाद सबसे पहले, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पहले आता था। आज स्थिति ये है कि NIRF की रैंकिंग में वो 200 से भी नीचे पहुँच गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लगता है आप लोगों को, जो भी जवाब देना चाहे, या किस तरह से और ख़राब होती जा रही है स्थितियाँ? बैलेंस आंसर इधर से ले लेते हैं, बैलेंस आंसर। इस पे मैं सरकारों को दोष देना चाहता हूँ, और यूनिवर्सिटी प्रशासन काफ़ी हद तक इसका दोषी है, क्योंकि वहाँ छात्र हित के अलावा जो है राजनीति घुस गई है, और जहाँ राजनीति घुस जाती है वहाँ पे बैलेंसिंग शिक्षा का खराब हो जाता है। कंटिन्यू वार्ता भी होती रही लेकिन इस पे कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण से इलाहाबाद का ग्राफ घट गया है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज के स्कोप बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज के डेट में आप खुद देख रहे हो कि इलाहाबाद से सिलेक्शन कितना हो रहा है, मैक्सिमम दिल्ली शिफ्ट हो गया है, हर ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति दिल्ली नहीं जा सकता है। और अभी आदरणीय मंत्री जी बैठे थे जो हमारे आंदोलन के हिस्सा हुआ करते थे, लोक सेवा के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधे, लेकिन हमको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने रोजगार के मुद्दे पे, प्रतियोगी छात्रों के मुद्दे पे एक वर्ड नहीं बोला। जो भी आ रहा है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई दलित, कोई मुस्लिम, सिर्फ यही कर रहा है। आखिर देश में कब तक ये चलता रहेगा, जातियों पे राजनीति कब तक करते रहेंगे? यही कारण है कि इतने सालों आज़ाद होने के बाद भी हम पीछे हैं। तो ये आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुद्दे को उठाइए, लोगों को कंपाइल करिए, इसीलिए आपको बिठाया, इसीलिए आपको बिठाया। नहीं, जवाब मैं दे दूं इसका। NIRF रैंकिंग के ढेर सारे मानक हैं, मुझे लगता है 25 से ज़्यादा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षक और छात्रों का अनुपात। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 800 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती बची हुई है अभी, जो हो नहीं पाई है। ढेर सारे गुट हैं यहाँ के, शिक्षक भी छात्र राजनीति करना चाहते हैं, छात्रों को मुखौटा बना के हाईकोर्ट में खूब लड़वाते लड़ते हैं। आज वो शिक्षक भर्ती हो जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाए कि 650 की क्लास एक शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, तो वो सारा का सारा बोझ जो आ गया वो रिसर्च स्कॉलर्स पे आ गया, क्योंकि मैं भी वहीं था तो इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है। तो आपसे केवल इतना कहना है कि जल्दी से जल्दी वो शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाएगी, तो NIRF ये विश्वास मुझे है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा कोई विश्वविद्यालय इस पूरे देश में है नहीं, तो वो फिर से आप पुराना गौरव वापस पाएंगे। भर्ती तो फिर करेगा कौन? करेगी तो योगी सरकार ही वो सरकार केंद्र सरकार की थोड़ी सी हो जाएगी। नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं आपको अपडेट भी करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय इस तरह की संस्था है जो विश्वविद्यालय से बाहर कुछ नहीं होता, जो सबसे सुप्रीम पावर है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है, कार्य परिषद के पास, उसने सारी चीजें तय कर रखी है, रोस्टर बदल चुका है,
रोस्टेड पहले केवल विश्वविद्यालय को यूनिट माना जाता था, उसके बाद ये हुआ कि डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा। उसको लेके रोस्टर का इश्यू है, वो जैसे ही सॉल्व होगा वाइस चांसलर के नेतृत्व में बहुत जल्दी यहाँ पे वो पूरा होना चाहिए। ये हम लोगों की भी मांग है और लगातार इस पर संघर्ष जारी रहा है। तो जल्दी NIRF में हम लोग बहुत ऊपर इसमें जोड़ देता हूँ। आपकी पार्टी के इनको बोल दीजिए, अक्षय यादव जी, आज आप देख रहे हैं कि जो भी आपने जो बाजार लगाई है, बाजार का मतलब चाहे बैठक कहिए या बाजार नेताओं की बाजार, वाकई स्थिति ये है कि ये चाहे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हों वो एक जात के नाम पे बात कर देंगे, चाहे बसपा आई हो वो कोई जात और धर्म की बात कही हो, और वर्तमान भाजपा जो सत्ता में है और राम को ले चाहे राम को बेचने की बात कहे हो, वो भी हमारे आस्था के प्रतीक हैं, चाहे राम को बेचने का काम करे हों चाहे वो धर्म की बात करते हों, लेकिन हकीकत है कि युवाओं के साथ हमेशा इन सभी ने छला है। छलने का कारण है, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कही साथी ने, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कौन सुधारेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व के ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे IAS की फैक्ट्री कही जाती थी, आज उसकी स्थिति क्यों गिर रही है? उसका स्थिति गिरने का कारण साफ साफ है, यहाँ के पहला विश्वविद्यालय के प्रशासन और साथ ही साथ उसमें घुसी हुई केंद्रीय राजनीति। जो संघ के लोगों को बैठाए जाएंगे तो संघी मानसिकता के वजह से एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नाम इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, अब ये हो रहा है कि विश्वविद्यालय जो है जो जाना जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसका भी नाम बदल दिया जाए, प्रयागराज विश्वविद्यालय कर दिया जाए। आप NUCI भी है, ABVP भी है, सभी है, आप लोग क्या इस बात से इतफाक रखते कि हाँ नाम बदल जाए या फिर विरोध है? कभी भी नाम बदलने नहीं दिया जाएगा। मैं भी वहां का छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और हमारी भी जिम्मेदारी है, 36,000 छात्रों ने चुना है। प्रयागराज तो ऋग्वेदों की बात आएगी, प्रयाग से शुरुआत करेंगे, इन्हें गुलामी पसंद है, इन्हें औरंगजेब अकबर पसंद है, बदलेंगे यही बात युवाओं की। एक मिनट का समय दीजिए, केवल एक चीज मेरे NHY के साथी से पूछ लीजिए, सिंपल सी बात है, केवल मेरे उपाध्यक्ष का जवाब इससे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदला गया तो क्या यहाँ पर एकाएक रोजगार के तमाम अवसर शुरू हो गए? क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल शुरू हो गए? क्या वह डाउन हो गया? बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लगातार NIRF की रैंकिंग गिरती जा रही है तो क्या नाम बदलने से हो जाए? युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, बिल्कुल संचार में इनका बना रहे हैं, क्या बात है आप? जो नहीं देश आजाद होने के लिए और युवा रोजगार चाहता है, रोजगार से बात कर रहे हैं, ABVP का चोला पान गया, युवा भाजपा युवा मोर्चा का चोला पान करके बात नहीं हो सकती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम जीते हैं, एक हमारा जन्म हमारे गांव में होता है तो दूसरा हमारा जन्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय छासंग से होता है। और आप हम लोग भी यही मानते हैं, राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति की मां रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जंजीरों में जकड़े हैं भाजपा के तो आप बदलवा सकते हैं, लेकिन बतौर छासंग उपाध्याय नहीं बदल सकता। नाम बदलने की बात कर रहे हैं, जिनके संगठन का नाम 13 बार बदल चुका है वो इसकी बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस आर कल वाई, बहुत जल्दी कांग्रेस ए भी आने वाला है। मुझे एक बात लोकतांत्रिक सवाल हमारा आपसे है कि जब आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदला तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ गए? क्या युवाओं को प्रचार करने आज वहाँ पे ट्रक जा रही है, यही है प्रयागराज, यही है प्रयागराज, जानिए। छात्र आज आत्महत्या कर रहे हैं उसका कारण बताइए। युवाओं की स्थिति वही है, आज भी छात्रों की स्थिति वही है, आज भी युवा जो है क्यों नहीं रोजगार अवसाद में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं और आप साथ में जाकर के बार बार हिंदू मुसलमान पे टेक रहे हैं। आपकी हिंदू मुसलमान की मैंने अपने मुंह से बोला नहीं, आपने शुरुआत की है, अक्षय यादव जी एक चीज बताइए, हम छात्र संगठन को राजनीति की पौध कहते हैं लेकिन जब पॉलिटिकल एक्चुअल डेब्यू की बात आती है तो 45 साल से पहले डेब्यू होता नहीं, उस पर भी परिवारवाद हावी हो जाता है, तो ऐसे युवाओं को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? चिंता होती है। सर्वप्रथम बहुत मैं अपनी बात बताता हूँ, परिवारवाद और जो भी आप लेके चल रहे हैं बात साफ सी है, मैं एक यहीं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव बीउर का रहने वाला हूँ। हकीकत है कि मैं इतनी छोटे से गांव से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए कई राज्यों में
प्रतिनिधित्व किया 8-9 राज्यों में चुनाव अधिकारी के रूप में, प्रदेश कई विधानसभा चुनाव प्रभारी के रूप में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया। तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का सच्चा सिपाही के तौर पे हमें इतनी उपलब्धि मिली, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लागू। आपको लग रहा है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं और राजनीति में परिवारवाद उत्तर प्रदेश में लगातार हावी है, आपको दिख रहा होगा। एक समाजवादी है, आप अभी एक मंत्री जी को बैठाए थे, वो भी उनका भी पूरा परिवारवाद, वो भले कहें कि हम किसी को हमारे परिवार काम करने आई है, मतलब कांग्रेस में नहीं है, बीएसपी में है, कहने का मतलब बाकी कांग्रेस में नहीं है, क्यों नहीं? आपको कहां से परिवारवाद लग रहा है? आप नेहरू गांधी परिवार के बारे में बोलेंगे, राजनीति 150 सालों का इतिहास खोज लीजिए, 150 सालों का इतिहास खोज लीजिए कांग्रेस का, बारी बारी से 150 कांग्रेस के वक्त आईएएस की फैक्ट्री कही जाती थी। कांग्रेस के वक्त में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कांग्रेस के वक्त में आईएएस की फैक्ट्री कही जाती थी। इस बात से आप गुरेज नहीं। कौशल सिंह को बोलिए जी, बताइए आपको दुख होता है इससे? बिल्कुल दुख होता है मुझे, और युवाओं को सिर्फ छला जाता है, चाहे राजनीति में हो चाहे कहीं भी हो, उनका सिर्फ यूज किया जाता है। और असल मायने में आप खुद देखिए कि जितने पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं, उनके लड़कों को, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को ही आगे दिया जाता है, क्योंकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। और हमें, आप अगर उस प्लेटफॉर्म पे एक बार ले भी जाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पीछे कर दिया जाता है। इस बात का दुख होता है मुझे, और निष्पक्ष कभी नहीं हो पाया। मेरी पहल भी यही है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी जो हो निष्पक्ष हो, लोगों के लिए काम करें, पार्टियों के लिए काम ना करें। बिल्कुल, युवाओं की भागीदारी की बात करेंगे तो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी वही चीज़ दोहरा रहा हूँ फिर से, कि लगातार रोजगार देने के लिए, और हम तो जिस संगठन से आते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा ढोने के लिए नहीं बना है। लगातार जिसकी बात कर रही है जेलों की, मैंने 13 मुकदमे और जेल की यात्रा इसी सरकार में खाई है, 28 दिन में जेल रहा है, सरकार यही थी। तो हम छात्र हितों के लिए लड़े, हम किसी का पार्टी का झंडा और बैनर ढोने के लिए नहीं बने थे, तो वो कर चुके हैं और वो लगातार करते रहेंगे। जहां छात्रों की बात होगी, सबसे पहले अगर कोई छात्र संगठन के रूप में दिखेगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको दिखेगा वहां। देखिए, मसला रोजगार का था, और रोजगार के मसले पर वर्तमान समय की जो सरकार है बिल्कुल पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है। इलाहाबाद से लेकर के जहाँ भी प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार अवसाद में आकर के रोजाना जो 3 छात्र हैं वह आत्महत्या कर रहे हैं। और सबसे प्रमुखता से यदि हम जब बात करें, जब हम सरकार से सवाल पूछेंगे तो ये हमें अलग पाठ पढ़ाएंगे। और दूसरा जो मैं जोड़ना चाहूँगा, मैम एक सेकेंड, 10 सेकेंड का समय दीजिए, जिसने राम के नाम को बेचा, जिसने गंगा के पवित्रता को बेचा, जिसने माँ की ममता को बेचा, जिसने बहन के रक्षाबंधन को बेचा, वो हमें सिखाने चले हैं कि नहीं चीज़ें कैसे चलती हैं और चीज़ें क्या नहीं चल रही। मैं आपको पुनः इलाहाबाद की यही प्रतियोगी छात्रों की तरफ लेके चलना चाहूँगा। आपको बताते हुए पूरे विश्वास से हम कह रहे हैं कि लगभग रोजाना यहाँ पर आंदोलन होते हैं, रोजाना जो छात्र हैं वह बाहर निकलते हैं, चाहे वह यूनिवर्सिटी के छात्र हों, चाहे वह प्रतियोगी छात्र हों, चाहे यहाँ के कर्मचारी हों, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है वह बिल्कुल तौर पर अघोषित आपातकाल की ओर चल पड़ी है। चलिए ठीक है, एक चीज बताइए, युवाओं की एंट्री की बात हो रही थी, परिवारवाद की बात हो रही थी, कांग्रेस की भी तो कन्हैया कुमार से बातचीत चल रही, क्यों नहीं एंट्री हो पा रही है? मैम यह ऊपर का मसला है, चूंकि हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, इस पर हंसने की भी नहीं बात है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा उस पर हम सभी को स्वीकार होगा, और लगातार उनके भी अपने कुछ मामले होंगे, उनके भी अपने कुछ विचार होंगे, जैसे ही लोगों के बीच में सहमति बनेगी वह आएंगे यहाँ पर। और चूंकि रही बात, तो कन्हैया कुमार किसी भी उससे नहीं आ रहे हैं, ना तो इनके पिताजी कहीं सांसद रहे हैं, ना तो विधायक रहे हैं, चूंकि वह अभी JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जैसे हमारे बड़े भाई छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, हम छात्र संघ के उपाध्यक्ष, छात्र राजनीति से वह भी व्यक्ति आए हैं, हमारे सामने भी हमारे छात्र संघ के महामंत्री जी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, छात्र राजनीति से जो भी व्यक्ति चल करके आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। और नहीं, फिर राहुल गांधी के लिए रेड कार्पेट और कन्हैया के लिए सोचना ही कौन सी नीति है? देखिए मैं, पार्टी का प्रजातंत्र, इन्होंने अपने शब्दों में बता दिया, आप क्यों बार बार वो चीज कुरेद रही हैं? इन्होंने बता दिया कि ऊपर तय हो जाता है, हमें केवल आदेश आता है। कोशिश यही थी हमारी कि नेतृत्व का मसला युवाओं के मुद्दे पर, बिहार का मसला, एक सेकंड में बता देना चाहूंगा, आप भी केंद्रीय पार्टी से हैं,
बिहार का मसला है, यहाँ उत्तर प्रदेश कैसे तय कर सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यह केंद्रीय मसला है। यह सवालातों के जवाब यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि इतना बड़ा नेता इतनी तेजी से आगे बढ़ा, आज सीपीआई में हाशिए पर है, कांग्रेस में एंट्री नहीं मिल रही, बीजेपी के दरवाजे बंद है, दुख नहीं होता आपको? किसके लिए? कन्हैया कुमार के लिए। मैम, सिर्फ परिवारवाद और फिर फेवरेटिज्म के चक्कर में? ऐसा कुछ नहीं है मैम, आपके सवाल जो भी हों, लेकिन मसला हमारा जो मानना है, यदि ये कोई एक छात्र नेता है, हम सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं छात्र राजनीति कर करके आए हैं, और लगभग जैसा बड़े भाई ने बताया वैसे ही वर्तमान समय की जो सरकारें विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ते हुए, सरकार से लड़ते हुए, लगभग दो महीनों के ऊपर हम लोगों ने जेल काटा, लगभग 16-17 से ऊपर यही थी कि अब यहाँ से जो है राजनीति को बदलेंगे, दिशा उसकी, रोजगार की बात होगी, युवाओं की बात होगी, और उम्मीद यही कि जब हम अगली बैठक करेंगे तो सिर्फ जात पात की बात नहीं होगी, युवाओं के नौकरी और रोजगार की भी बात होगी। तो आप लोग इस बैठक में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद बुलाने के लिए, युवाओं की बात रखने के लिए।